तो मैं राइट और सही कह रही हूँ, मतलब नहीं राइट की बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं विवश को कह रही हूँ कि आप लोग माइंड मत कीजिएगा, एक बात बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है। हम तो हमेशा ऐसे करते हैं, हमारे कुछ भी कोई काम जब हम शॉपिंग करने चले जाते बोलते रहते ना, नो शॉपिंग करने चले जाते ये पैसे नहीं जोड़ते हैं। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हो, ठीक ठाक है। और ठीक हो, ये देखो ये जो है ना रास्ते में आते हुए जो है ना, ये क्या है? नहीं रास्ते में आते हुए नहीं, वो ऊपर भाई बना रहा है, ऊपर जो रहता है उसने बनाए, आपके बेटे को भी बनाया, शाहरुन को बनाया, और कुछ लोगों को तो भूत ही बना दिया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बच्चे नहीं लेके आई मैं, क्योंकि आप रास्ता बहुत खराब है ना, तो डर लगता है, मैं खुद डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, और आपको पता है जितना वजन बाइक पे हो उतना ही वो डर लगता है इंसान को। ये तो है। तो आज हम आए थे, एक तो अब्बू की तबीयत खैरियत, हाँ आ रही हूँ, तो मिले सोनिया भाभी। हेलो जी, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब ठीक होंगे। तो मैं पीली चाय और बाजी पर नहीं दे दो, चाय चाय तो दे दो, सनिया भाभी से भी मिल ले। सनिया भाभी हाय कर दो। बाजी के जितने भी देखने वाले व्यूअर्स है ना, क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स से तो कर लिया है, तो जितने भी बाजी हमारे व्यूअर्स है ना, उन सबको हमारे हमारी तरफ से ना इंडिपेंडेंस डे हैप्पी हैप्पी मुबारक हो, आजाद हो गए आप लोग, आजाद हो गए सभी, आजाद है पाकिस्तान में जितने पूरा पाकिस्तान ही आजाद हो चुका है, तो मेरी तरफ से भी आप सबको जश्न आजादी बहुत मुबारक हो, है ना? सही है, ठीक है। तो वकास भाई देखो मेरे मुंह पे पता कैमरा चढ़ा देता, मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये देखो इनको देखो जरा, ये देखो एक दूसरे को कैमरे में देख रहे हैं। तो बाकी अभी चाय वाय पीते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। और हम लोग ज़्यादातर आए थे यहाँ पर अब्बू की खैरियत मालूम करने, क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग अब्बू की खैरियत मालूम करने आए थे, और साथ में इन लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहने आए थे, कुत्ते होते हैं बहन भाइयों को। जी आप जा रहे हो, ऊपर जाओ बनवा लो, बहुत से बच्चे बना रहे हैं, आप देख लो, अम्मी से भी मिले, मुझे पता है सलाम कर लो। ये सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं, चावल आ रहे हैं, हम चावल का इंतजार कर रहे हैं, चावल का इंतजार कर रहे हैं। चावल कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं बस, आप लोग चावल का इंतजार कर रहे हैं। अवकाश भाई आपकी वीडियो तैयार हो गई? कुत्ते मुंह वीडियो तैयार कर रहे हो, बड़ी फास्ट बनाई आपने, काफी बच्चे थे सबने, खूब एंजॉय किया, किसी ने झंडा बनवाया, किसी ने बाबा जी सियालकोट मतलब दो फिंगर का मतलब होता है बाबा जी सियालकोट। अच्छा अच्छा सही। और ये भाई बना रहे थे, इन्होंने मेरे मुंह पे वो बनाए, क्या कहते हैं उसको, ये दिल दिल पाकिस्तान है ना, टैटू ही कहते हैं वो तो मुझे पता, लेकिन बनाया तो दिल है ना। तो ये सब यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और बाकी मिलते हैं फिर सोनिया और गोपाल से जाके। ओ यल्लो बाकी पटाखे चला रहे, अभी लेके गया है ना शाहरुन, वही चला रहा है, हाँ शाहरुन लेके गया, वही चला रहा है, मुझे कह रहा था पापा पटाखे। तो यहाँ पर मौसम भी काफ़ी देखें बादल जैसे हो रहे हैं, और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी, इसलिए जो है ना हम लोगों को अब निकलना चाहिए यहाँ से जल्दी है ना। ये देख सकते हैं गोपाल भाई, आप अभी थोड़ी देर पहले जो है ना आप भाग गए थे, ध्यान नहीं लगा रहे, तो कैसा गुजरा आपका दिन आज का? सही बात है, जो दिन गुजर जाए उसका शुक्र की करना चाहिए, ठीक है। नहीं बिट्टी नज़र तो नहीं आई मुझे, ना अम्मी नज़र आ रही है, और बारिश हो रही है बाहर, कहाँ गई है बाहर, किसका का? अच्छा उनके घर गई है, तो अम्मी का पता नहीं अम्मी कहाँ गई है। तो यहाँ पर ये लोग बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, और मतलब इनका दिन भी गुजर गया, तो अब जो है ना हम भी चलते हैं, क्योंकि बारिश होने वाली है इससे पहले कि मज़ीद तेज़ बारिश। क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो भाई उसको, तेरा लाड कोई नोखा ही है। सैमी दिखा लाइट जो जल रही थी, दिखा सैमी लाइट जला के दिखा, ये देखो वो है अपने पेट पे ऐसी बस मारता है और लाइट जला लेता है ना, फिर से चलो ठीक है, हम गोपाल भाई अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से, क्योंकि बारिश होने वाली है तो इसलिए हमें जल्दी जो है ना घर निकलना। हाँ भाई ठीक है ओके। अभी आप क्या करने लगे? खाना बनाने लगे, क्या बना रहे हो खाने में? अच्छा टैटू अच्छा लग रहा है आपका,
अच्छा, अच्छा लग रहा है मेरी तरह है ना। ऐसे बना सिंपल मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ मैंने भी ऐसे सिंपल ही बनाए, बहुत ज्यादा होगा नहीं बनवाया। अंजो दिखाओ, अंजो का तो मिट भी गया, बड़ा हल्का बना है, आपका डार्क है। ओ गई सैमी, कितनी बुरी बात है बेटा। उठ 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 उठ, जिसने जे देखो सैमी ने गिरा दिया जोया को। आ, आ, अब सही है, क्यों लड़ रहे, नहीं मारो छोटी बहन है। पर सोनिया भाभी जो है ना वो बनाने लगी है खाना, और सुमेरा भाभी जो है ना वो गई हुई है बाहर, मतलब गोपाल कह रही हूँ शहजाद के साथ गई हुई है वो अमीना भाभी के घर। हाँ, और ये क्या बना भैया, क्या बने हुए, ये क्यों डरा रहे हो भैया, पाकिस्तान को डरा रहे या खुद को डरा रहे हो? क्या लगता है सोनिया को डरा नहीं रहा, खतरनाक स्टाइल हो गया। क्या सभी करते, मैंने कर दिया तो खतरनाक हो गया। उस दिन ये देखो मैं एक बार याद आ गई, क्या जिस दिन मुझे जान ने पुल में फेंका ना, है ना। हाँ। तो सब बोलते हैं कि इसने ये कर, ये ऐसे करते हैं कि बदतमीजी है ये फुल। तो मतलब जो लोग करते हैं ना, जो टिकटॉक पे आते हैं उनको बड़े शौक से, उनके मिलियंस मिलियंस लाइक होते हैं, वो करते हैं, ये काम उन्होंने अच्छा किया है, ये उन्होंने अच्छा किया। तो हम फनी कोई काम कर दे तो हमें कह देते ये पागल वाली हरकतें हैं, ये बदतमीजी है। अच्छा कमेंट्स में आपको आया किसी, कमेंट्स में बोल रहे कि गोपाल ने बदतमीजी की है, उसके साथ गलत किया। तो वैसे गलत नहीं है, मतलब उसकी वाइफ है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा इशू भी नहीं है। मतलब उसने किसी गैर लड़की को हाथ तो नहीं लगाया ना, कि उठाया और फेंका। मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती करने गए थे, एंजॉय करने गए थे। तो आपको पता जब इंसान इकट्ठा होता है तो मौज मस्ती ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है। सही बात है, कोई किसी को धक्का देता है, कोई किसी को मारी तो डायरेक्ट मेरी तरफ आई, सारे उठ के चले गए, कहते पोता जिसकी तरफ गई ना उसको फेंकेंगे। तो मैं उधर बैठी हूं, मुझे क्या पता था सच में मुझे फेंक देना। वो पौधा मेरी तरफ भी आए तो मुझे उन्होंने पकड़ के फेंक दिया, पकड़ के फेंक दिया आपको अंदर। तो सुकल जान मुझे वीडियो दिखा रहे, कहता ये देखो जान, ये देखो उसको कैसे उसके ना पीछे से डंडा लेकर तो मारी जा रहे थे। कहता यही कुछ हम करते ना, इनको लोग कितने शौक से हंस हंस के देख रहे हैं। हाँ ये बात तो है, हरकत हम करते तो कहना ये बेवकूफ है, ये चलो कोई बात नहीं इग्नोर करो, कोई मसला नहीं। हम तो करते फिर भी मैं बोलती हूं कि मतलब कि हम हमारी फैमिली में कोई भी कोई ऐसी हरकत। हाँ तो वो लोग गलत बोलते हैं, सही कह रहे हो, मैं भी बोल रही, मतलब चर्च में उसका इस्तेकाम था तो अब उसमें कलर तो नहीं हो सकता ना जितने में सूट आ सकता है। हाँ। तो मुझे एक कमेंट आया था, बहन आप इतने पैसे बर्बाद करती हो, आप कलर क्यों नहीं घर में करवाती, लेकिन किसी को क्या पता कि हमारी दीवारों पे कलर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो ज्यादा सिम गई है, खराब हो गई। मैं कह रही हूँ कि जो बड़े बड़े सूट की खाना खाने जाते उनको नहीं बोलते, हाँ हम चले जाते तो हमें कहते फालतू खर्चा करते, फालतू खर्चा, मुझे भी ये चीज बोलते हैं, सही कह रहे हैं। खर्चा नहीं करा तो बोले कि इतना कमाते हैं तो भी अपने पे लगा नहीं सकते। हाँ। करे तो करे क्या, करे तो किसी हाल में इंसान खुश नहीं, ये बात तो है। मौज मस्ती करते रहते, जो जिसका दिल करता वो कहता रहता, हम फिर भी अपने काम। लेकिन खैर आप लोग माइंड मत कीजिएगा सोनिया भाभी की बातों का, ये सिर्फ एक बात कर रही है कि इस तरह वही करते हैं, मतलब गलत बोले मैं, क्योंकि मैं राइट और सही कह रही हूँ। नहीं नहीं, राइट की बात तो आप सही कह रही हैं। हाँ। लेकिन मैं विवश को कह रही हूँ कि आप लोग माइंड मत कीजिएगा, एक बात बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो हमेशा ऐसे करते हैं, हमारे कुछ भी कोई काम, जब हम शॉपिंग करने चले जाते तो बोलते रहते ना, नो शॉपिंग करने चले जाते तो ये पैसे नहीं जोड़ते, बच्चों को हमें पता, हमने बच्चों को पढ़ा कैसे पढ़ाना, ये बात तो है। क्योंकि हर इंसान को अपने बच्चे की सिर्फ मतलब जो नर्सरी के बच्चे 1 लाख फीस, मतलब टोटल खर्चा जो आता है 1 लाख का एक बच्चे का। असल में वो हाई फाई स्कूल है ना जहाँ पे गोपाल भाई ने बात की, पता करके आए हैं। हाँ। तो एक में पता किया तो वो बोलते कि आप मुहर्रम के बाद आना, ठीक है। फिर जान को मैंने बोला हम कहीं भी नहीं करेंगे, जहाँ पे शहर में हम यहाँ पे जाते हैं 1 साल 1.5 साल हम यहाँ ही पढ़ाते पढ़ा सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो फिर जब हम उधर जाएंगे तो बाहर में जाने उधर कर ले, मतलब इधर उधर जाने की भी मुश्किल होगी, लाने के भी मुश्किल। यही पे गए साथ भाभी के, भाभी के साथ, भाभी के साथ ही आगे चले। खैर कोई बात नहीं, तो ये बातें आप तक फिक्र। हाँ। उन्होंने वीडियो बनाई कि आप अपने बच्चों का पैसा, इतना पैसा अभी हम इतना नहीं कमाते जितने आप लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसा कमाते, अगर बहुत पैसा कमाते तो हम आज अपना कहीं अच्छी जगह पे घर ले लेते, ले लेते, ये बात है। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो भी नसीब में होगा होगा, तो वही। तो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, पूरी देख रहे वीडियो मिस नहीं करने। ये मैंने बातें की हैं, ये आप लोग बताना कि मैंने गलत की है या सही की है, क्योंकि मैं कभी गलत बोलती नहीं और गलत बर्दाश्त करती नहीं।
बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सही है। तो अब मेरे चैनल के लिए कुछ बोल दो। तो आपने बाजी के चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो मिलते हैं हम आपको अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।